हेलो किड्स, वेलकम टू स्टूडेंट जोन फॉर बेस्ट लर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ फॉर क्लास एट। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। व्हाट डू यू थिंक वुड हैव हैपेंड हैड देयर बीन नो रूल्स? क्या आप सोच सकते हैं तब क्या हो सकता है, क्या होगा जब कोई नियम नहीं होंगे? डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी इंस्टीट्यूशन टू हैव सम क्लियरली रिटन रूल्स इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली? क्या आप सोच सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए कि उनके पास कुछ क्लियरली रिटन रूल्स हों जिसके आधार पर फंक्शन हो, अच्छे से फंक्शन जिसके ऑर्डर पे हो? वॉट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ रिटन रूल्स, मतलब रिटन रूल्स का एक सेट है एंड रेगुलेशन का, रिटन रूल्स और रेगुलेशन का एक सेट है अकॉर्डिंग टू विच, मतलब जिसके अनुसार कोई भी कंट्री वो गवर्न करती है। इफ देयर आर नो रिटन रूल्स, पीपल रूलिंग ओवर ए कंट्री माइट डू सो अकॉर्डिंग टू देयर ओन विम्स। अगर सोचो कोई रिटन रूल्स ना हो तो जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, कंट्री पे शासन करेंगे अपने अनुसार, अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा अनुसार, अपने फ़ायदे के अनुसार वो शासन करेंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पेशली इन ए डेमोक्रेसी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है यह किसमें, डेमोक्रेसी में, दैट द गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू क्लियरली लेट डाउन रूल्स, कि एक गवर्नमेंट का जो फंक्शन हो किसके अनुसार हो, वो रूल्स के अनुसार हो, रूल्स पे निर्भर करें, जो नियम हो उनके अनुसार चले। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का क्या महत्व है? इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। द लीडर्स ऑफ द कंट्री रियलाइज्ड दैट सो मेनी ईयर्स ऑफ बींग ए कॉलोनी हैड लेफ्ट इंडिया रुइंड इकोनॉमिकली एज वेल एज सोशियली। इंडिया जब 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, किससे, ब्रिटिश रूल से स्वतंत्र हुआ, तो जो लीडर्स थे कंट्री के, उन्होंने एहसास किया कि बहुत सालों तक कॉलोनी रहने की वजह से, कॉलोनी इन द सेंस ब्रिटिश के अंतर्गत रहने की वजह से, जो इंडिया थी कॉलोनी कब होती है, जब किसी और कंट्री का शासन किसी देश पे हो, जैसे ब्रिटिश का शासन हमारे इंडिया पे था, तो ब्रिटिशों के इंडिया क्या थी, कॉलोनी थी, ब्रिटिशों की इंडिया क्या थी, कॉलोनी थी। तो बहुत से सालों तक कॉलोनी होने की वजह से इंडिया पूरी तरीके से क्या हुई है, इकोनॉमिकली और सोशली रुइंड हुई है। कास्ट, जेंडर एंड रिलीजियस इनइक्वालिटीज वर कॉमन एंड मोस्ट ऑफ द वेल्थ कंट्री हैड बीन ड्रेन्ड बाय द ब्रिटिश। कास्ट, जेंडर, रिलीजियस इनइक्वालिटीज, मतलब कास्ट और जेंडर और रिलीजियस जो असमानता है वो तो कॉमन है, इसके अलावा मोस्ट ऑफ द वेल्थ ऑफ द कंट्री, कंट्री की ढेर सारी वेल्थ, समृद्धि भी, वो भी ड्रेन्ड कर चुकी गई है, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, मतलब एक तरीके से शोषित हुई है, खात्मे के कगार पे हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। एज ए रिजल्ट द इकोनॉमी वॉज इन ए पिटिएबल स्टेट, इसलिए जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी कैसी है, एक बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति पे है। मेकिंग द कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग एंड एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी वॉज द फॉरमोस्ट कंसर्न ऑफ द लीडर्स। और कंट्री को इकोनॉमिकली मजबूत बनाना और इस्टेब्लिश करना समानता सोसाइटी में, ये फॉरमोस्ट कंसर्न था किसका, लीडर्स का, नेताओं का। मोर ओवर फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इट वॉज इम्पोर्टेंट दैट द पीपल इंजॉयड सर्टेन क्लियरली डिफाइंड राइट्स। मोर ओवर फॉर द सक्सेस, मतलब डेमोक्रेसी की सफलता के लिए यह महत्वपूर्ण था कि लोग जो है वो इंजॉय करें कुछ निश्चित और क्लियरली डिफाइंड राइट्स को, अधिकारों को। टू अचीव ऑल दिस इट वॉज इम्पोर्टेंट टू हैव रिटन रूल्स रेगुलेशंस एंड राइट अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री वुड बी गवर्न्ड, मतलब इन सबको पाने के लिए, मतलब इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इकोनॉमिकली या सोसाइटी में समानता स्थापित करने के लिए,
इट वॉज इम्पोर्टेंट हैव, मतलब यह बहुत ही ज़रूरी था कि रिटन रूल्स हों, रेगुलेशंस हों और राइट्स हों, अधिकार हों, जिसके आधार पर कंट्री जो है वो गवर्न की जाए। हेंस द कंस्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड, इस तरीके से कंस्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। वॉट इज़ पर्पज ऑफ ए कंस्टिट्यूशन, लेट अस फाइंड आउट, मतलब कंस्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या था, चलो हम इसको खोजते हैं। द कंस्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु गवर्न द कंट्री। कंस्टिट्यूशन क्लियरली रूप से डिफाइन करता है उन पावर्स को, शक्ति को या कार्यों को जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास होते हैं, जो कि गवर्न करते हैं किस पे, कंट्री पे। मतलब जैसे कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर एमएलए होते हैं, ये हम लोग द्वारा इलेक्ट होते हैं तो वही गवर्न करते हैं, तो उनके क्या पावर्स होंगे या उनके क्या फंक्शंस होंगे, ये किस में डिफाइन किया रहता है, क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में। लॉज ऑफ आवर कंट्री आर फ्रेम्ड ऑन बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे देश का कानून है वो किसके आधार पे, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे फ्रेम हुआ है। इट डिफाइंस द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर आल्सो पुट सर्टेन लिमिटेशन ऑन देयर पावर्स, मतलब ये डिफाइन करता है फंक्शंस को और पावर्स को किसके, एग्जीक्यूटिव के या लेजिस्लेचर के, एंड आल्सो पुट सर्टेन लिमिटेशन ऑन देयर पावर्स, और उनके उन पर कुछ निश्चित लिमिटेशन भी लगाता है उनके पावर्स पे। द कंस्टिट्यूशन tries to uphold the unity, integrity as well as the diversity of the country. Constitution वो try भी कोशिश भी करता है कि वो किस तरीके से बरकरार रखे unity को, integrity को और diversity को, हमारे country के diversity को। It clearly define the nature of the country's political system. ये constitution जो होता है वो clearly define करता है country के political system के प्रकृति को, नेचर को, व्यवहार को। द वेज इन विच द गवर्नमेंट विल बी इलेक्टेड एंड वॉट बेसिस इट विल फंक्शन, कि किस तरीके से गवर्नमेंट इलेक्ट होगा और किस आधार पे उसका कार्य होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक तरीके से बनाए रखता है, इस्टेब्लिश करता है सोशल जस्टिस को और रूल ऑफ लॉ को। दिस मीन that in a democratic country all the citizens are treated equally and they have equal rights। इसका अर्थ ये हुआ कि democratic country में, एक लोकतांत्रिक देश में, सारे citizens वो equally रूप से treat किए जाएंगे और सबके पास equal rights होंगे। the laws of the country are same for everyone, जो देश का कानून होगा वो सबके लिए समान होगा। no person is above the law just because of his her कास्ट और रिलीजन, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं रखेगा किसी भी जाति या धर्म के अनुसार, किसके सामने, कानून के सामने। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन सम स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर सर्टेन बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेंशन करता है कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार किसको, निश्चित बैकवर्ड सेक्शन को, समाज के निश्चित बैकवर्ड सेक्शन को। सो दैट दे कैन बी एट पर विथ द मेन स्ट्रीम्स, इसलिए ताकि वो भी सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में, मतलब मुख्यधारा में वो भी साथ रहें, मतलब साथ साथ चलें। जैसे कि ये जो एक तरीके से स्पेशल प्रिविलेजेस मिलता है तो वो किस लिए मिलता है, ताकि कि जो नोबल पर्सन हैं कंट्री के या फिर रिच पीपल हैं, सिर्फ उन्हीं को हर चीज़ सर्विसेज ना मिले, बल्कि जो बैकवर्ड क्लास के हैं या फिर थोड़ा बैकवर्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वो भी समान तरीके से चल सके, साथ में समान मेन स्ट्रीम में आ सके सोसाइटी के। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव सम फंडामेंटल राइट्स टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन वो मौलिक अधिकार देता है प्रत्येक सिटीजन को अपने कंट्री के। नो बडी कैन वियोलेट दीज लॉ, कोई भी मतलब इस कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग लॉज ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है किस तरीके से प्रोसेस होता है किसी भी लॉ को फ्रेम करने के लिए कंट्री में। द कॉन्स्टिट्यूशन अब्लाइसेस अनजस्ट एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस सच एज
टचेबिलिटी एंड फीमेल फोर्टिसाइड। कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज़ का भी खात्मा करता है, पतन करता है, जो कि एक तरीके से अन्यायपूर्वक या फिर भेदभाव टाइप के जो प्रथाएं हैं, जैसे छुआछूत, जैसे भ्रूण हत्या, फीमेल फोर्टिसाइड, भ्रूण हत्या, इस तरीके को मनाही देता है, मतलब कि निषेध है। ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कैसे हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इट्स मेंबर वर इलेक्टेड बाई द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा, इसके जो मेंबर थे वो इलेक्ट किए गए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स द्वारा। व्हेन द इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सर्व्ड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट। जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस प्राप्त की थी तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो कैसे सर्व की जाती थी, फर्स्ट पार्लियामेंट के रूप में, मतलब उसको फर्स्ट पार्लियामेंट माना गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज चूजन टू हेड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच वॉज फॉर्म्ड इन अगस्त 1947। डॉक्टर अम्बेडकर चूज किए गए हेड किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूंट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज चूजन टू हेड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। डॉक्टर अम्बेडकर को चूज किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड के रूप में, विच वॉज फॉर्म्ड इन अगस्त 1947, जिसको फॉर्म किया गया था कब, 1947 में। द ड्राफ्टिंग कमेटी टुक 3 years टू कम्प्लीट द टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने 3 साल लिए थे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ऑन 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्मली अडॉप्टेड, और 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन वो फॉर्मली एक तरीके से अपनाया गया था। वी फिनिश्ड दिस सेशन, वी डिस्कस about more topic in next video. If you like this video, then comment, like and share and subscribe my channel. You will provide many such type of videos like class 8, 9 and 10 English and social related issue. Thank you.